अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। इस घर में बस खाने वालों के पेट बढ़ते जा रहे हैं, रात बटाने वाला कोई नहीं है। काकी आप बैठ जाइए, आज मैं खाना बना दूंगी, आप बैठ जाइए। सच्ची? हाँ। बनाओ बिटिया। अरे कितना अच्छा हो जाए ना, सब लोगों के काम आपस में बट जाए तो। और वैसे भी अब तुम ये घर में मेहमान थोड़े हो, बनाओ खाना। अच्छा सुनो, सिंगदाने का चटनी जरूर बनाना, वरना खाना में मजा ही नहीं आता। अम्मा ये क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे? अरे अंग्रेजी में थोड़ी बोल रहे जो समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा चालाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप केसर को कहा है बोली खाना बनाने के लिए? अरे खाना बनाने के लिए कहा है, कोई पाप करने के लिए थोड़ी कहा है। और वैसे भी ये घर में ये मेहमान थोड़ी है, घर के सदस्य है। और बचपन से लेकर आज तक हम तुमको गरम गरम रोटियां बना के खिलाते रहे, तब तो तुमको कभी गुस्सा नहीं आया। अम्मा केसर मेहमान है इस घर में। ठीक है तो मेहमान के जाने का तारीख बता दो। अम्मा कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। अरे लल्ला जहाँ से तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। अरे हम यही तो कहे हैं कि वो हमारे घर की सदस्य है, और घर का काम करने में कैसी शर्म। अम्मा कबीर मैं ठीक ठाक खाना बना लेती हूँ, तुम मेरे हाथ का खाना खाकर अफसोस नहीं करोगे। शाबाश बिटिया, देखो। ठीक है तो हम भी इस घर का सदस्य होने के नाते अपने हिस्से का काम कर लेते हैं। ठीक है आप जाइए अम्मा, प्रस्थान कीजिए, धन्यवाद आपका। जिंदगी भर अम्मा रसोई में खट्टी रही लेकिन झांकने नहीं आए, मदद करेंगी है बड़ी। केसर हम दाल चढ़ाते हैं, तुम जब तक सब्जियां काट लो। हाँ ठीक है। तू परेशान मत होना सूरज, मैंने वकील से बात कर ली है, वो तेरी कातिल को फिर से जेल भेज कर ही रहेगा। इस वकील के बस का नहीं अंबिका भाभी। लीजिए पहले आप थोड़ा खा लीजिए, आजकल कुछ दिनों से आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं भाभी, ऐसे में आप कमजोर पड़ जाएंगे, फिर सूरज के हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी आप। अच्छा भाभी ये गुजरात के एक से बढ़कर एक वकीलों की लिस्ट बनाई है मैंने, ये लीजिए इस डायरी में उन सब के नाम और नंबर भी लिख दिए हैं। सूरज अगर हमारे साथ आज होता तो वो भी ऐसे किसी मामले में इन्हीं में से किसी के पास जाता है। खाना खा लीजिएगा। तुझे बड़ी लापरवाही कैसे कर दी मैंने, अगर वो किसी के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, लगता है पूरे घर की सफाई हो गई है, पर ढूंढना तो पड़ेगा कभी। कहां ढूंढे समझ में? ड्रेसिंग। एक बाल तक नहीं है यहां। लगता सच जानना हमारी किस्मत में नहीं है। कुछ भी नहीं मिल रहा है। हे अम्बे मां मदद कीजिए हमारी। तू ना तो हो गई कबीर, कहां लूं मैं?
बहुत देर हो गई है कबीर, हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, अभी निकलना होगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, हम निकलना चाहिए, कोई आना चाहे। तू सूरज के कमरे में क्या कर रहा है? वो हम अंबिका काकी को ढूंढने आए थे, नीचे तो मिली नहीं, तो हमने सोचा सूरज के कमरे में हो सकती है ना, तो बस वही देखने आते हैं। हम चलते हैं। कहीं वो इसके हाथ तो नहीं लग गए? बच गई। काकी, को सजा मत दीजिए काकी, हम जानते हैं कि आप हमसे गुस्सा हैं, हालात से गुस्सा हैं, पर खाने से बैर मत करिए। थोड़ा खाना खा लीजिए काकी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।